स्वद्रव्य पर द्रव्य आज हमारे प्रेरणा पाथे का विषय है। स्व का मतलब खुद का, पर का मतलब पराया, द्रव का मतलब वस्तु। जो वस्तु मेरे पास में है वो मेरी वस्तु है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, ये स्वद्रव्य मतलब मेरा हो गया। पर का मतलब जो है ये दूसरे का घर, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का प्लॉट, दूसरे के मकान। तो ये स्व और पर का अर्थ है, लेकिन ये रिलेटिव अर्थ है, ये जगत का अर्थ है, ये दुनिया का अर्थ है। लेकिन अगर हम अपने जीवन की बात करें, अपने मुक्ति की बात करें, अपने शाश्वत सुख की बात करें, तो स्वद्रव्य कौन सा है? स्वद्रव्य मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जिसकी की प्रकृति ज्ञाता दृष्टा है। वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम वो शाश्वत सुख है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सनातन सत्य है, और वो अजर अमर अविनाशी है। वो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है, और सभी जीवित प्राणियों में वह एक सा है। ये स्वद्रव्य है, इसकी पहचान करना। पर द्रव्य क्या? चेतन तत्वों के अतिरिक्त जितना भी हमारे जीवन में दुनिया में है वो सारा पर द्रव्य है। पर द्रव्य का अर्थ होता है शरीर, हमारा धन, हमारी दौलत, और हमारे बाल बच्चे, हमारे संबंध है, ये सारा पर द्रव्य है। और ये हमारा जो है कहना चाहिए बाहरी जगत है। तो इस जगत को जो है हम छोड़ना चाहिए, और हमें रियल ट्रुथ में जाना चाहिए। रियल ट्रुथ है हमारा स्वद्रव्य है।